और चलिए अब बात करते हैं पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की। जिस तरह से सरगर्मियां तेज है, कई जगह तो लिस्ट पहली लिस्ट भी आ चुकी है, क्योंकि सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव है। वहां पर ममता बनर्जी पदयात्रा भी कर रही हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं लगातार। तो इधर केरल में भी किस तरीके से हैपनिंग हो रही है ये हम बताएंगे। शुरू करते हैं बैटल ऑफ स्टेट्स। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भी नाम है। वो तिताराबार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने इस लिस्ट को जारी किया है। तो 65 उम्मीदवारों की ये जो लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि बहुत अहम है कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस बार जिस तरह से तिताराबार विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो। कांग्रेस के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने इस लिस्ट के बारे में जानकारी दी है। तो ये पहली लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से 65 उम्मीदवारों की, जिसमें तरुण गोगोई तिताराबार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो इधर केरल चुनाव से पहले बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्ता पर काबिज सीपीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लगातार राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं, जिसकी वो निंदा करती हैं। उन्होंने हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पार्टी में नेता चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत करेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि लगातार केरल में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। तो 140 विधानसभा सीटें हैं केरला में जिनमें चुनाव होना है, और कानून व्यवस्था मुद्दा बन रहा है। थिरुवनंतपुरम में न्यूज एजेंसीज ने चिन्हित करके कहा कि जो लोग भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन पर आक्रमण करने आए वो वामपंथी दल के थे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसे प्रहार का, ऐसी घटनाओं का पूरी तरह से हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि केरला में हिंसक घटनाओं की एक राजनीतिक पद्धति बन गई है। तो इधर आपको बता दें कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। झड़प में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी मुरलीधरन समेत करीब 23 लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को इलाज के लिए त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, और इस घटना के बाद दोनों पार्टियों ने बंद की घोषणा कर दी है। हालांकि इन दिनों स्कूलों की परीक्षाएं चल रही है, लिहाजा गाड़ियों के परिचालन को नहीं रोका जाएगा। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर टीएमसी और विपक्ष के बीच स्टिंग ऑपरेशन को लेकर तकरार जारी है। चुनावी मौसम में सामने आए स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई नेताओं पर घूस लेने का आरोप लगा है। आज ये मामला लोकसभा में भी उठाया गया। टीएमसी से सांसद स्वागत राय ने आरोप लगाया कि ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन दरअसल कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र है। स्वागत राय ने स्टिंग ऑपरेशन को झूठा करार दिया। तो वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने आरोपों की जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की एक वेबसाइट ने ये स्टिंग करने का दावा किया है, जिसमें एक फर्जी कंपनी को सरकारी सुविधाएं देने के एवज में 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए दिखाया गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप मचा है। तो पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों के दौरान किस तरह से सतर्कता बरती जाएगी, चुनावों पर कैसे पैनी नजर रखी जाएगी, इस बारे में जानकारी दी। अपील ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू एंश्योर एंड कोऑपरेट इन द पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। वी अर्ज वोटर्स टू कम आउट इन लार्ज नंबर। An appropriate atmosphere will be created by the commission to come and make this upcoming election highly participative.
तो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से निकले, इसकी कोशिश होगी चुनाव आयोग की तरफ से। ये बात भी कही गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 6 चरणों में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 4, 11, 17, 21, 25, 30 अप्रैल और 5 मई को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतों की गणना 19 मई को की जाएगी।